हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज मैं कुछ इंडोर प्लांट्स दिखा रही हूँ और इसमें आज हम लोग करेंगे डिस्कस कि हम लोग इंडोर प्लांट्स को फीड कैसे करेंगे, कैसे इसको फर्टिलाइज करेंगे। देखिए, एक तो ये मैंने लिया है सिंगोनियम। सेकेंड वाला ये पालर पाम है, जैसे एरिका पाम बड़ा होता है, ये छोटा टेबल पाम भी कहते हैं इसको। ये थोड़े छोटे साइज़ का रहता है। एक ये हम लोग का मनी प्लांट है, गोल्डन पोथोस जिसको कहते हैं। और नेक्स्ट मैंने लिया है पिडिलैंथस। ये देखिए, इसकी लीव्स पिंक हो रही हैं विंटर्स की वजह से। ये भी एक बहुत ही बढ़िया इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। अब नेक्स्ट मैंने लिया है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट के बारे में तो मेरे ख्याल में सबको ही पता है कि ये बहुत ही बढ़िया इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। प्लस ये लो लाइट लाइक करता है और लो मेंटेनेंस है। और लास्ट मैंने लिया है एक स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक इंडोर प्लांट है जो एयर प्यूरिफाई करता है। अब इसको हमको फर्टिलाइज़ कैसे करना है? देखिए, इंडोर अगर रखते हैं प्लांट को तो इसमें तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो है कि इसमें पानी रेगुलर होना चाहिए और राइट अमाउंट होना चाहिए। सेकंड, एयर या वेंटिलेशन होना चाहिए। और थर्ड वो है कि कैसे इसको फीड करते हैं, कैसे इसको फर्टिलाइज़ करते हैं। क्योंकि हर प्लांट जब थोड़े दिन बाद रूट सब एनर्जी या सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है धीरे धीरे करके, तो इसकी ग्रोथ के लिए कंटेनर में कम अमाउंट ऑफ मिट्टी या कम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र रहता है। तो इसको रेगुलर फीड की ज़रूरत पड़ती है, रेगुलर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तीन चीज़ें, सबसे पहला पॉइंट है। अगर आपके पास आपको डाउट है तो हमेशा उसको डाइल्यूट यूज़ करिए किसी भी फर्टिलाइज़र को। और अगर गैप ज़्यादा देना चाहते हैं, मैं तो इसको 1 मंथ एक बार फर्टिलाइज करती हूँ। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा है, ये प्लांट्स कुछ मर रहे हैं, रीज़न नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहले आप फर्टिलाइज़ करना इसको छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंटेनर्स छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत एकदम भी नहीं होती। और जो मैं कवर करूँगी वो भी बहुत माइल्ड होंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, क्योंकि सॉलिड डालना डिफ़िकल्ट होता है और कुछ ऑफेंसिव स्मेल भी आती है और कुछ ये एब्जॉर्ब इजीली रूट्स कर लेते हैं। क्या चीज़ें फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करनी है? एक मस्टर्ड केक एकदम नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उसमें बहुत स्मेल आती है। काउडंग मेन्योर भी आप यूज़ नहीं करते। लिया है मैंने सी वीड ग्रैन्यूल्स, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच है। इसको आपको लिक्विड फॉर्म में भी आता है, ये फोलियो स्प्रे का, और ये ग्रैन्यूल्स में भी आता है। ये देखिए, ग्रैन्यूल्स ऐसे होते हैं इसके। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो इसको ये डिज़ोल्व जल्दी नहीं होता। तो मैंने ये 6 गमले लिए हैं, इनके लिए इतना फर्टिलाइज़र बहुत है। अब इसको क्या करूँगी, इसको डिप कर दूँगी इसमें और इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा थोड़ा, 24 घंटे भी छोड़ सकते हैं या 5-7 घंटे भी छोड़ सकते हैं। जब ये डिज़ोल्व हो जाए तो इसको डाइल्यूट कर देंगे। इसको डाइल्यूट करके जितना भी पानी आपको रिक्वायर्ड है, 1 लीटर या 1.5-2 लीटर, उसमें मिक्स करके सब में डालेंगे और लिक्विड फॉर्म में। और दूसरा फर्टिलाइज़र मैं ये बताती हूँ आपको, अगर आपके पास ये नहीं है तो ये सी वीड का एक और लिक्विड फॉर्म आता है, उसको भी आप कुछ ड्रॉप्स यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये मैंने पानी लिया है, ये करीब 1 लीटर पानी है, इसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स डाला, खाली कुछ ड्रॉप्स डाला है। ये होगा मुश्किल से 1/2 टीस्पून होगा, ये डाला। अब इसको थोड़ा सा हिला के और इसको जो ट्रे वाला है, ट्रे लगा के इसमें, बाकियों में ट्रे मैंने लगाई नहीं है, इसमें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ट्रे है, इसमें साइड साइड से डालना है, साइड साइड से, और बहुत कम कम। देखिए मैंने कितना कम डाला है, बस 1/2 ग्लास मुश्किल से होगा। आप, मैं 2-3 ऑप्शन बता रही हूँ, एक ये वाला ड्राई ग्रेन्यूल्स, एक ये लिक्विड और एक वर्मी कंपोस्ट, 3 बता रही हूँ आपको। तीनों एट ए टाइम नहीं डालना, आप तीनों में से एक चीज यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ने इस प्लांट के लिए हम लोग ने लिक्विड यूज़ किया है। अब मैं एक बनाती हूँ जिसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया, कंपोस्ट 1/2 से लेकर 1 टीस्पून मिक्स कर दिया है और ये जल्दी मिक्स हो जाता है। इसको हम लोग कितना यूज़ करेंगे, बस इतना सा डालेंगे, बस ये एनफ हो जाएगा बाकियों के लिए। तो देखिए कितना कम कम मैं यूज़ कर रही हूँ, 15-20 डेज या 1 मंथ के बीच में।
दूसरा तरीका फर्टिलाइज करने का इसको होता है कि आप टॉप से डालने के बजाय लिक्विड को आप नीचे ऐसे डाल सकते हैं। देखिए ट्रे में ऐसे करके डाल दें और वो कैपिलरी एक्शन से प्लांट लेता रहेगा। सेकेंड ऑप्शन ये है, मगर मैं प्रेफर करती हूँ ऊपर से डाल के रूट्स तक चले जाए और नीचे एक्सेस हो तो निकल जाए और फिर मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो हाउ टू फर्टिलाइज योर इंडोर प्लांट्स अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।